सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि सीबीआईसी ने रिसेंटली दो नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप कोविड 19 से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन, रेमडेसिविर या एपीआई जो कि उसका इंग्रेडिएंट होता है, या ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी जो सबसे पहला नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो उसका क्लियरेंस होगा वो बहुत ही प्रायोरिटी पे होगा, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे उसका क्लियरेंस किया जाएगा। सेकेंडली, जो उस पर ड्यूटी होगी वो रिसेंटली वेव कर दी गई है। तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक पूरा देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है और कौन से इसमें कंप्लाइंसेस लगते थे जो कि हटा दिए गए हैं, और अब कौन से कंप्लाइंसेस में लगेंगे, कितनी इसमें ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, और क्या इसमें ड्यूटी आपको कुछ भी पे करनी पड़ेगी या सिर्फ बेसिक ड्यूटी वेव किया गया है। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस इक्विपमेंट्स को अभी के टाइम पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और सभी देख रहे हैं मेरे चैनल बिजनेस माइंडेड, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो रिसेंटली सीबीआईसी ने दो नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं। जो पहला नोटिफिकेशन था वो एक दो दिन पहले आया था। मैं आज के डेट में जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 24 अप्रैल 2021। आज से 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये लिखा गया था कि कोविड 19 से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आपका मेडिसिन है, जो भी वैक्सीन्स हैं, उसकी जो इम्पोर्ट होगा, उस पर जो क्लियरेंस होगी वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे की जाएगी। एक नोडल ऑफिसर है एयरपोर्ट पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसको अगर कोई भी क्लियरेंस है रिकॉर्डिंग, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डिले होता है, तो आप डायरेक्ट उसको ईमेल कर सकते हैं। एक ईमेल प्रॉपर दिया गया था, मैं आपको नोटिफिकेशन की कॉपी यहाँ दिखा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन की कॉपी का, वो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। सेकेंडली, जो अभी आज ही की डेट में, अभी 3 बजे ही मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा है, आज ही की डेट में यानी 24 अप्रैल 2021 को एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी वैक्सीन यानी कोविड 19 की वैक्सीन, रेमडेसिविर दवाई या ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो सकता है आपका, आपका पल्स ऑक्सीमीटर हो सकता है, ऑक्सीजन फिलिंग टैंक हो सकता है, ऑक्सीजन कनेक्टर वगैरह, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, वो अगर आप इंपोर्ट करते हैं इस टाइम पर किसी भी कंट्री से, तो उस पर जो बेसिक ड्यूटी लगती है, अलग अलग आइटम पे जो अलग अलग बेसिक ड्यूटी थी, वो कम्प्लीटली एक टाइम पे एक्सेम्प्ट कर दी गई है। अगले 3 महीने तक, फ्रॉम टुडेज डेट यानी कि 24 अप्रैल 2021 से अगले 3 महीने तक, इन आइटम पे जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी होगी वो नहीं ली जाएगी। आपको सिर्फ जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि बाद में ऑब्वियसली आप जीएसटी का इम्पोर्ट ले ही लेते हैं। तो एक तरह से ये ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट हो जाएगा, आपको कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। जो भी खरीद होगा आपको बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है इस टाइम पर ये आइटम, और क्योंकि इस टाइम पे हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा नीड है इन आइटम्स की। आपको पता है कि ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज चल रही है इस टाइम पे इंडिया में, और रेमडेसिविर और दूसरी वैक्सीन की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, और कितने ज़्यादा केसेज आ रहे हैं पर डे। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके चलते आप अगर इनमें से कोई भी आइटम इम्पोर्ट करते हैं, तो आपको एक तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर उसकी क्लियरेंस की जाएगी, सेकेंडली उस पर कोई भी आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। सेकेंड, इसमें सिनेरियो ये आता है कि अर्लियर अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में इन आइटम्स को इम्पोर्ट करते हैं, तो उसमें आपको ड्यूटी भी लगती है, प्लस आपको कुछ कंप्लाइंसेस का भी फॉलो करना है, कुछ कंप्लाइंसेस को भी कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल टाइम में पल्स ऑक्सीमीटर इंपोर्ट करते हैं, तो आपको उस पर लीगल मेट्रोलॉजी देनी पड़ती है, और अगर ऑक्सीजन रिलेटेड कोई भी दवाई, जैसे कि कोई दवाई इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर आपको एडीसी लेना पड़ता है, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर करते हैं, तो उस पर आपको एडीसी लेना पड़ता है। तो इस टाइम पर क्या है, इस पर कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन तो नहीं आया है जिसमें कि ये बोला गया हो कि ये सारे कंप्लाइंसेस को भी एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस लास्ट ईयर ये हुआ था कि जो भी पल्स ऑक्सीमीटर इंपोर्ट किए गए थे, उस पर एक डिक्लेरेशन लेटर गया था हर एक शिपमेंट के अगेंस्ट, हर एक इंपोर्टर के अगेंस्ट, कि आप जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में आप जो बाद में लीगल मेट्रोलॉजी है वो करवा के दे देंगे कस्टम को, अभी के टाइम पे आप उस अंडरटेकिंग के अंडर उस पर्टिकुलर शिपमेंट को क्लियर करा के ले जा सकते हो। तो हर शिपमेंट वाइज एक अंडरटेकिंग जाती थी इंपोर्टर की तरफ से, कस्टम जो भी पोर्ट पे आ रहा है उस पोर्ट के कमिश्नर के नाम पे या डिप्टी कमिश्नर के नाम पे, कि हम अभी ये शिपमेंट क्लियरेंस करा रहे हैं और आगे ये जो सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो हम इसकी लीगल मेट्रोलॉजी लेके आपको दे देंगे। सेम सिनेरियो इसके साथ भी हुआ था, आपका जो भी एडीसी रिलेटेड आइटम था। तो अभी कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे नॉलेज के हिसाब से सेम सिनेरियो इस बार भी होने वाला है। एक अंडरटेकिंग जाएगी और आप इस शिपमेंट को क्लियर करा के रह सकते हो, और बाद में जो भी कंप्लाइंसेस है उसको बाद में जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो आप उसको बाद में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये इस टाइम पे गवर्नमेंट के दो सबसे बड़े नोटिफिकेशन आए थे, मेरे को लगा कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप इनमें से कोई भी आइटम में डील करते हैं या डील करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इन चीज़ों की हमारे देश में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो अगर आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इन आइटम्स को इम्पोर्ट करके, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे इंपोर्टर हैं जो कि जनरली दूसरे आइटम इम्पोर्ट करते हैं, बट इस टाइम पे हम रेगुलर बेसिस पे ऑक्सीमीटर और ये कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह, ऑक्सीजन से रिलेटेड दूसरे आइटम्स इम्पोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने बहुत इम्पोर्ट किया था, इस साल भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स तो जनरली दूसरे आइटम इम्पोर्ट करते हैं, अब ये आइटम इम्पोर्ट करके बेच रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, बट नीड भी है इस टाइम पर इंडिया में बहुत ज़्यादा। तो
अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाना है, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसी, तो इस टाइम पे मेरे को लगता है कि इन आइटम्स को इंपोर्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, प्लस हमारे लोगों की हेल्प भी हो सकती है। तो अगर आपके कोई भी ऐसे नेटवर्क्स हैं तो आप इन आइटम्स को इम्पोर्ट करिए, हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी है इन चीज़ों की, तो इम्पोर्ट करके आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। आपको जो भी प्रॉफिट मार्जिन ठीक लगता है वो उसमें प्रॉफिट रखिए, ना रखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट रखना है। तो आप इन आइटम्स को इस टाइम पे इम्पोर्ट कर सकते हैं बिना किसी ड्यूटी, बिना किसी कंप्लाइंस के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्या कहते हैं फ्यूचर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दोस्त ऐसा आइटम इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।